एक जो थ्योरी कल ये कही गई कि सुशांत के कमरे में एक बाथरोब था, बाथरोब की एक बेल्ट थी, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि उससे सुशांत ने फांसी के फंदे तक लटकने की कोशिश की या नहीं। क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या इस बात को हम सही माने कि जो हरा फंदा दिखाई दिया पंखे पर और उसकी तस्वीरें और वीडियो दिखाई दी, उसी से सुशांत ने आत्महत्या की कोशिश की, या फिर इस पूरे बाथरोब का क्या एंगल है? जी देखिए, मैं नेहा सबसे पहले बता दूं कि दरअसल ये केस सीबीआई के पास गया क्यों, वो आखिरी तस्वीर सभी अभी तक सभी को ये मालूम है कि सुशांत ने आत्महत्या की, लेकिन वो आखिरी तस्वीर जब भी पंचनामा पुलिस करती है तो तमाम मौका मुआयना करती है, हर जगह की तस्वीरें खींची जाती हैं जो केस में आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो काम करती है, लेकिन वो आखिरी तस्वीर मिसिंग है जिसमें वो फंदे से लटके हुए हैं। जो तस्वीर सामने आई उसमें सुशांत बेड से लेटे हुए हैं। शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस के बाद जांच सीबीआई को गई। जो पुलिस ने पंचनामा किया था मुंबई पुलिस ने, उसके मुताबिक एक बेल्ट जरूर पड़ा हुआ था और वो टूटा हुआ पड़ा था। तो क्या सुशांत ने पहले बेल्ट से आत्महत्या की कोशिश की लेकिन बेल्ट टूट गया, इस वजह से जो हरी शर्ट है उसको फंदा बनाया? इस मामले की तफ्तीश अब सीबीआई करेगी कि, और शायद ये वजह कि क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया गया तो इन चीजों को भी बहुत गौर किया गया, अब सीबीआई इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल पूछा, और ये सभी को कंफ्यूज भी कर रहा है कि आखिर उस बेल्ट वहां बेल्ट क्यों पड़ा हुआ था, किस लिए पड़ा हुआ था, क्या इतनी डेस्परेशन थी, हर हाल में सुशांत मरना चाहते थे, इस वजह से पहले उसको फंदा बनाया, वो टूटा तो फिर हरी शर्ट को फंदा बनाया। तो इस चीज इन तमाम चीजों की नेहा सीबीआई तफ्तीश करेगी। एक चीज और बताना चाहता हूं कि दरअसल पिछले अगर 2 साल की बात की तो 2 साल की पूरे लाइफ की जो स्टडी है वो अब सीबीआई कर रही है कि आखिर पहले क्या था। हाल फिलहाल में जिस तरह की डिप्रेशन की बात कही जा रही है, क्या वास्तविक में ऐसा था या नहीं था, इन चीजों की भी तहकीकात की जा रही है। ठीक है, हमारे संवाददाता मुनीश भी इस वक्त डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुनीश, जो पहले एक थ्योरी दी गई थी कि सुशांत दरअसल किसी डिप्रेशन में नहीं थे, मानसिक तनाव में नहीं थे, परिवार ने भी ये बात कही, कई दोस्तों ने भी ये बात कही है और अपने इंटरव्यूज में भी उनके दोस्तों ने कहा है कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, लेकिन दो अहम गवाह नीरज और सिद्धार्थ पिठानी जो उसी घर में मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उनका क्या कहना है, उनका वर्जन क्या है सीबीआई के सामने? क्योंकि सीबीआई ये जरूर जानना चाहेगी कि क्या कोई पिल्स लेते थे सुशांत अपने डिप्रेशन के लिए, या फिर कोई किसी तरीके का कोई ऐसा संकेत जिससे साबित हो सके कि वाकई मानसिक तनाव से जूझ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। देखिए नया, इस मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस मामले में जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले सुशांत का ट्रीटमेंट किया था, मुंबई पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया हुआ था, और वो डॉक्टर जो है, क्योंकि किसी भी मरीज और डॉक्टर के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन किया जाता है, इसकी वजह से वो डिटेल्स बाहर नहीं आ पाई। लेकिन जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस ने उन डॉक्टर से संपर्क किया, उनके बयान भी दर्ज किए और ये बातें कुछ सामने आई थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने खुद ये बात कही थी कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, डिप्रेशन में थे वो और उसकी दवाई ले रहे थे। उस वक्त वो दवाई ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे ये बात साफ नहीं हो पाई, लेकिन नीरज जो है उसने अपने बयान में ज़रूर कहा हुआ है कि 13 तारीख को वो थोड़ा लो फील कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे और उसके बाद में वो उस दिन जल्दी सोने के लिए चले गए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदलाव है, उनको लगा कि वो थके होंगे। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।